गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ दिन पहले आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, हम लोग जस्ट दिल्ली से शिफ्ट हुए हैं बेंगलोर, और अब जो है अगेन हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। एक्चुअली एक ही रीजन है, स्कूल के लिए, और स्कूल यहाँ से काफी डिस्टेंस है, तो इसलिए हम लोग शिफ्ट करने वाले हैं। सो अभी मूवर्स एंड पैकर्स आने वाले हैं। सो सुबह के हो रहे हैं अभी 8 o'clock, और मूवर्स एंड पैकर्स के लोग आ गए हैं, और साथ में मटेरियल्स लाए हैं, कार्टन बॉक्सेस, पैकिंग एंड मूविंग ब्लैंकेट्स, स्ट्रेच रैपर्स और बबल रैप्स। सबसे पहले लिविंग रूम से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे है हमारा सेंटर टेबल, डिसमेंटल की जा रही है, और जितने स्क्रू है, पार्ट्स वगैरह है, इसके साथ ही सेलो टेप से स्टक कर देंगे, ताकि प्रॉब्लम ना हो जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ रीइंस्टॉल करने में। और मैंने पहले भी एक वीडियो शेयर किया है, दिल्ली एनसीआर टू बेंगलोर शिफ्टिंग मूवर्स एंड पैकर्स रिव्यू, सो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो। एंड मैंने सोचा कि ये लोकल शिफ्टिंग है, तो मैं भी इसका जितना हो सके कैप्चर करूँ और वीडियो आपके साथ शेयर करूँ। नेक्स्ट पैक की जा रही है हमारा होम थिएटर, इससे जो कवर की जा रही है बबल रैप से कवर की जा रही है, और ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, सो यहाँ पे ना सेलो टेप ये लोग नहीं लगा रहे हैं। मैंने पूछा था कि आप लोग सेलो टेप क्यों नहीं लगा रहे हो, तो कह रहे थे कि ये ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है और खोलने के टाइम बहुत दिक्कत होती है, और इसलिए जिसमें जो ज़रूरी है तो एक दो लगा रहे हैं जिसमें ब्रेक होने के चांसेस है, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ रहे हैं कवर करके। तो यहाँ पे कार्टन बॉक्स में हमारा पूरा होम थिएटर हमारा पैक हो चुका है, और ये हमारा सोफ़ा सेट है जो ऑलरेडी पैक हो चुका है, और उसके बाद जो स्ट्रेच रैपर है, स्ट्रेच रैपर से सिक्योर करके ये हमारा सोफ़ा जो है ऑलरेडी पैक्ड हो चुका है। नेक्स्ट जो सामान पैक होने जा रही है ना, ये एक्चुअली बहुत ही यूनिक है। ये जब हम आसाम में टी गार्डन में थे ना, तब ये टी बूस से बना हुआ चेयर है जो आजकल मिलना बहुत ही मुश्किल है। सो मैंने कहा था भैया से कि इसको ना बहुत ही केयरफुली कवर कर देना, ताकि इस पे कोई खरोच ना आए और ये ख़राब ना हो, क्योंकि ये एक दो ही मेमोरीज़ है टी गार्डन के जो हम लोग बहुत संभाल के रखा है, तो ये फाइनली पैक हो चुका है। यहाँ से जो है ऑलरेडी सारे जो फ्रेजाइल आइटम्स हैं सारे ब्रेकेबल है, ये क्रॉकरीज, सो ये सब पैक की जा रही है। एक्चुअली ना हम लोगों ने इस बार बहुत ही ज़्यादा सिस्टमेटिक वे में प्री प्लानिंग बहुत अच्छे से करी है। जो चीज़ें हैं ना एक ही कार्टन बॉक्स में, दो ही कार्टन बॉक्स में ऐसे पर्टिकुलरली जाएगा, बिल्कुल मिक्स नहीं करेंगे। पर्टिकुलर जो भी मटेरियल है, चाहे थोड़ा सा लेट ही लगे, बट उसी में ही पैक की जाएगी। सो ये आइडिया बहुत ही अच्छा काम कर गया, और यहाँ पे सारे हमारे क्रॉकरीज पैक हो गए हैं। नेक्स्ट ये हमारा डाइनिंग टेबल पैक की जा रही है, ये भी ग्लास का आइटम है। ये भी डाइनिंग टेबल के साथ ही अटैच है, तो ये काफ़ी सॉफ्ट और पतला है, तो इसको भी बहुत केयरफुली कवर की जा रही है।
यहाँ पे हमारा कप जितने कलेक्शंस है पैक की जा रही है, और यहाँ पे होम डेकोर आइटम्स। इस तरफ जो कुछ बाकी बर्तन रह गए हैं, स्टील के जितने हमारे यूटेंसिल्स है ये सारे कार्टन बॉक्स में डाल दिया गया है, और हमारा पैकिंग ऑलमोस्ट हो चुका है, और सारा कुछ अभी लोड करने के लिए तैयार है। और ये हमारा बेड जो बहुत अच्छे से कवर की गई है, और स्ट्रेच रपर से भी काफ़ी अच्छे से सिक्योर किया गया है। अभी ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, और अभी सामान लोडिंग की जा रही है। ये हमारा फ्रिज है, और ये हमारा वॉशिंग मशीन है, और ये हमारा एसी है। तो बहुत सारे सामान है जो मैं आपको दिखा नहीं पाई, क्योंकि जो प्रोसीजर है शिफ्टिंग प्रोसेस इज़ वेरी टफ़, और बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने बहुत जल्दी जल्दी वीडियो बनाया है, और हम चल दिए अपने डेस्टिनेशन की ओर। और हमारे साथ आज हम चार नहीं जा रहे, हमारे साथ लड्डू गोपाल जी भी जा रहे हैं। इनकी कृपा से ही सब कुछ हो रहा है, और सब कुछ यही रास्ता दिखाते हैं। और बस हम पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन पे, और अब धीरे धीरे सामान जो है अनलोडिंग शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे सामान की अनलोडिंग शुरू हो चुकी है। सो मैंने और राज ने ये डिसाइड किया था कि हर चीज़ें जो ना इस बार जिस कमरे में होगा उसी कमरे में रखेंगे, जिस कमरे की जो भी चीज़ें हैं, मतलब लिविंग रूम के जो आइटम्स है लिविंग रूम में ही रहेगा, बच्चों के रूम का जो भी चीज़ें हैं बच्चों के रूम में रहे। तो ये हमारा लिविंग रूम है, जो भी चीज़ें लिविंग रूम का सोफ़ा वगैरह, और ये हमारा फ्रिज है जो अभी अनपैक की जा रही है। अब लकीली हमारा फ्रिज भी पूरा यहाँ पे फिट हो रहा है। और इस तरफ हमारा बेड है जो रीइंस्टॉल की जा रही है। मुझे एक्चुअली बहुत सारा कुछ तो क्लीन करना है, तो अभी रैंडमली भैया यहाँ रख रहे हैं। हमारा जो सेंटर टेबल है ना वो अभी रीइंस्टॉल की जा रही है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मैंने काफ़ी ट्राई किया है बहुत कुछ कैप्चर करने की, दो ये बहुत मुश्किल रहता है शिफ्टिंग के बीचों बीच, आपको देखना भी है फिर रिकॉर्डिंग भी करना है। वरुण हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, हमारे सारे सामान सेफली पहुंच गए थे। मूवर्स एंड पैकर्स का वेबसाइट लिंक होता है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ज़रूर मेंशन कर दूंगी।